हेलो एवरीवन, आज हमारे सामने खड़ी है महिंद्रा बुलेरो नियो। ये टॉप एंड वेरिएंट आज हमारे सामने खड़ा है। तो आज की वीडियो में जो है हम डिटेल में बात करेंगे कि टॉप एंड वेरिएंट महिंद्रा बुलेरो नियो का क्या कुछ ऑफर करता है। उससे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में बता देता हूँ, अभी रिसेंटली महिंद्रा ने कुछ अपडेट भी किए हैं इसके अंदर, उन सारे चीज़ों के अपडेट के चेंजेस की भी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को डिटेल में देखिएगा। बात करते हैं इसके एक्सशोरूम प्राइस की। तो ये वाला वेरिएंट आपको कॉस्ट करेगा एक्सशोरूम 12,14,000 रुपीज़। ऑन रोड के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, वहाँ पे आपको जो है सारी डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी, जैसे कलर रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मेंशन की हुई है। सो प्राइस वगैरह में यही सारी चीज़ देखने को मिलती है। आइए अब देखते हैं इसकी की चाबी की बात करें तो चाबी आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। पूरे महिंद्रा लाइनअप में सेम ही चाबी आती है, जिसमें कि आपको 3 बटन्स मिलेंगे, लॉक अनलॉक, और इस वाले से जो है आप पार्किंग में कार को ढूंढ सकते हैं। नॉर्मल वाले जैसे महिंद्रा की स्कॉर्पियो वगैरह के अंदर जो है आप इससे हेडलैम्प को ऑन कर सकते हैं, बस इसके अंदर आपके जो है हजार लाइट इस तरीके से ब्लिंक करने लगेंगे। कर देते हैं क्लोज। पीछे देखें तो वही अपना नया महिंद्रा का लोगो देखने को मिलेगा। फिजिकल की निकालना चाहें तो आप इस वाले बटन को प्रेस करके इस तरीके से जो है इसके फिजिकल की को निकाल सकते हैं। सो ऐसी आपको दो की मिलेंगी, की में यही सारी चीज़ें देखने को मिलती है। आइए देखते हैं फ्रंट में क्या कुछ आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करें फ्रंट में, तो बड़ा सा आपको महिंद्रा का लोगो देखने को मिलेगा क्रोम फिनिश के साथ। क्रोम फिनिश में बड़ी सी ग्रिल दी गई है। नीचे बात करें तो हेक्सागोनल पैटर्न में रेडियल ग्रिल मिलेगी। यहाँ से करेंगे आप कार को टो इमरजेंसी में। जैसे टॉप एंड वेरिएंट है तो आपको इसके अंदर जो है फॉग लैंप का भी ऑप्शन मिल जाएगा। लोअर वाले वेरिएंट पर फॉग लैंप नहीं आती है। रिफ्लेक्टर सेटअप मिलेगा हेलोजन बल्ब के साथ। और हेडलाइट सेटअप की बात करें तो वो कंप्लीट सेटअप कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। सेम रिफ्लेक्टर सेटअप ही देखने को मिलेगा हेलोजन बल्ब के साथ। यहाँ पे इसके पार्किंग लैंप मिलेंगी, इंडिकेटर से जगह पे आएंगे। और बोनट की बात करें तो वो आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। दो वाइपर्स हैं, दो वॉशर्स मिलेंगे, एक प्लर बॉडी कलर्ड आएगा। और लेफ्ट साइड से देखें तो लेफ्ट साइड से कंप्लीट कार कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। पूरी कार पे बॉडी क्लैडिंग और व्हील आर्चेस आएंगे। जैसे टॉप एंड वेरिएंट है तो इसके अंदर आपको अलॉय व्हील्स का भी ऑप्शन मिलेगा। ये वाला ऑप्शन जो है आपको N10 के भी अंदर देखने को मिलता है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा। सेंटर में महिंद्रा का लोगो आएगा। 5 नट के जो है अलॉय व्हील्स आते हैं। टायर की बात करें तो गुडियर के टायर मिलेंगे। जिसके सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको 215/75R 15 इंचेस के जो है अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आगे डिस्क ब्रेक आएंगे, पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। ABS CVD जो है स्टैंडर्ड ही मिलेगा। आगे के सस्पेंशन की बात करें तो आगे आपको इंडिपेंडेंट मैकपर्सन स्टड सस्पेंशन मिलेंगे। पीछे आपको ZXL विद कॉइल स्प्रिंग के साथ सस्पेंशन आएंगे। यहाँ पे प्लेस किए गए हैं इसके इंडिकेटर्स। और ORVMs की बात करें तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे। बॉडी कलर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ऑटो फोल्ड ORVMs है। टर्न इंडिकेटर्स आपको फेंडर पे आएंगे। लोअर गार्निश वगैरह नहीं आती है। बी पिलर आपको मैट फिनिश में मिलेगा, ना ही रो फेल्स आएंगी। सामने वायर्ड में एंटीना है। और यहाँ से फिल करेंगे आप इसमें डीजल, सिर्फ डीजल इंजन का ही ऑप्शन आता है। महिंद्रा बुलेरो नियो में जो है आपको रियर व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलेगा, 4x4 नहीं आता है। रियर व्हील ड्राइव में MLT सिस्टम है, जो कि आपको ऑफ रोड या फंस जाए गाड़ी तो उसमें निकालने में हेल्प करेगा। पीछे सेफ्टी में 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हैं, 2 रिफ्लेक्टर्स मिलेंगे। और यहाँ पे फुल स्टेप आएगा। फुल स्टेप आपको साइडों में भी देखने को मिलता है। N10 वेरिएंट में नहीं आएगा, सिर्फ N10 ऑप्शनल के अंदर आता है ये वाला ऑप्शन। मैट फिनिश में डोर हैंडल्स हैं, बुलेरो नियो की वैसिंग, रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप है। और स्पेयर व्हील की बात करें तो वो यहाँ पे प्लेस किया गया है। सेम गुडियर का टायर आएगा। इसके सेक्शन की बात करें तो 215/75R 15 इंचेस का स्टील व्हील का ऑप्शन मिलता है। और टेल लाइट सेटअप की बात करें तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगी। टॉप मॉडल N10 की वैसिंग, हेलोजन बेस्ड टेल लाइट है, जिसमें कि आपको इंडिकेटर्स यहाँ पर मिलेंगे और रिवर्स लाइट इस जगह पर प्लेस की गई है। आइए अनलॉक करके देखते हैं रियर डोर को। ये अभी इसका कवर रखा हुआ है इसके अंदर, जिसमें कि आपको सेम बुलेरो की वैसिंग मिलेगी। महिंद्रा का लोगो है। 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें कि आपको जो रियर थर्ड रो वाली सीट्स हैं वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। साइड बाय साइड सीट्स हैं। अगर आप सीट को फोल्ड कर, लगभग आपको 385 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा इसके अंदर। कर देते हैं डोर को क्लोज। आइए चलते हैं राइट साइड में। राइट साइड से देखें तो राइट साइड से कंप्लीट कार को जिस तरीके से देखने को मिलती है। चलते हैं अंदर। डोर ट्रिम की बात करें तो वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। सिंगल टोन ट्रिम है। यहाँ पे मिलेगा आपको उसका पावर विंडो का स्विच। मैट फिनिश में डोर हैंडल्स हैं, सिल्वर फिनिश मिलेगी। नीचे 1 लीटर का बोतल होल्डर है। स्पीकर पर्टिकुलर टॉप वेरिएंट में आपको 4 स्पीकर का म्यूजिक सिस्टम देखने को मिलता है। इसका फ्लेट वगैरह नहीं आएगी, फुट रेस्ट है। और सीट्स की बात करें तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगी। सिंगल टोन फैब्रिक अपॉस्टी सीट्स हैं। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे। सेंटर में आर्मरेस्ट है। आइए अब अंदर चल के बात करते हैं। पीछे से डैशबोर्ड देखें तो कंप्लीट डैशबोर्ड जो है आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। और पीछे सेकंड रो सीट पे स्पेस की बात करें तो लगभग आपको इतना देखने को मिलेगा। ये वाली सीट जो है मेरी हाइट से एडजस्ट है, तो आप एक बार स्पेस देख सकते हो, आपको लगभग इतना स्पेस जो है इसके अंदर देखने को मिलेगा।
अच्छा खासा स्पेस है, सीट के पीछे पॉकेट्स भी आएंगी। एक बार मैं कोशिश करता हूँ आपको दिख जाएँ तो इस तरीके से आपको जो है पॉकेट्स देखने को मिलेंगी। इंडिविजुअल आर्मरेस्ट हैं, को ड्राइवर सीट के पीछे भी पॉकेट्स मिलेगी, दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट आएंगे, प्लेन रूफ है, थर्ड रो सीट के लिए आपको लाइट मिलेगी, फिक्स ग्रैब हैंडल आएगा, सेम यहाँ भी फिक्स ग्रैब हैंडल है। और सेंटर कंसोल देखें तो वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, बीच में कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। और हम की बात करें तो वो ऑलमोस्ट नेगलेजिबल है, तो तीन पैसेंजर आप इसमें कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। आइए एक बार देखते हैं आर्मरेस्ट। आर्मरेस्ट आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी, कप होल्डर्स वगैरह का ऑप्शन नहीं आता है, कर देते हैं इसको क्लोज। लैप बेल्ट दी गई है, आइसोफिक्स चैलसेट माउंटिंग है सेफ्टी में। और पीछे सेफ्टी की बात करें तो पीछे वाले पैसेंजर के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट आएंगी, सिर्फ बीच वाले पैसेंजर के लिए लैप बेल्ट आती है। सो इंटीरियर में मोटा मोटा आपको यही सारी चीज़ें देखने को मिलती है। पीछे आइए आप चलते हैं ड्राइवर साइड सीट पे, वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे आपको क्या कुछ देखने को मिलता है। डोर हैंडल की बात करें तो वो सेम आपको मैट फिनिश में मिलेगा, फिजिकल की लगाने का ऑप्शन है। और डोर ट्रिम की बात करें तो वो भी बिल्कुल सेम ही देखने को मिलती है, कोई भी फर्क नहीं मिलेगा। यहाँ पे आएगा आपको उसका 1 लीटर का बोतल होल्डर, सिल्वर फिनिश है, मैट फिनिश में डोर हैंडल्स आएंगे, इसका प्लेट वगैरह यहाँ भी नहीं मिलेगी। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की वैसिंग है, टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन है। और ड्राइवर साइड सीट की बात करें तो वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी, सेम आपको सिंगल टोल फैब्रिक कैपेसिटी सीट का ऑप्शन आता है, हाइट एडजस्टेबल लीवर के साथ, 3 पैडल्स आएंगे। इस वाले लीवर से आप सीट को आगे पीछे कर सकते हैं, फ्यूल कैप ओपन करने के लिए लीवर है, बोनट ओपन करने के लिए लीवर मिलेगा, यहाँ पे फ्यूज ओबीडी पोर्ट है, यहाँ पे कुछ और बटन्स मिलेंगे, यहाँ पे सारे आपके ORVMs के इंटरनल एडजस्टमेंट हैं, और फोल्ड करने का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, हेडलाइट लेवलर आएगा, इको बटन, डिफॉगर, ESP इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम का कंट्रोल है। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको फिजिकल की लगाने का ऑप्शन मिलेगा। आइए अब अंदर चल लेते हैं। डोर थर्ड आपको कुछ इस तरीके से सुनने के लिए मिलेगी, और अभी फिलहाल मैंने दोनों चीज ऑन कर ली हैं, तो एक बार आप कंप्लीट व्यू देख लीजिए। डैशबोर्ड का कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, ट्यूटर की प्लेसमेंट आपको इस जगह पे आएगी। बात करें स्टेयरिंग व्हील की तो वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, 4 स्पोक नॉन लेदर पे स्टेयरिंग व्हील आएगा, सेंटर में महिंद्रा का लोगो मिलेगा, एयरबैग की वैजिंग है, सेफ्टी में 2 स्टैंडर्ड एयरबैग आते हैं महिंद्रा बुलेरो में। यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स मिलेंगे, क्रूज कंट्रोल और MID के कंट्रोल करने के लिए ऑप्शन है, और ऐसा दिखेगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। एनालॉग बेस सेटअप है जिसमें टैकोमीटर की बात करें तो आपको 7 तक की मार्किंग मिलेगी, और स्पीडोमीटर में 180 तक की मार्किंग आएगी। बीच में बड़ी सी 5 इंचेस की मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है जो कि दिखाएगी कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल इंडिकेटर, ओडोमीटर रीडिंग, डिजिटल क्लॉक, वार्निंग लाइट्स। और इंफोटेनमेंट की बात करें तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, ये कैनवुड का ब्लूटूथ बेस्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम है, 2 AC वेंट्स मिलेंगे, नीचे मैनुअल AC के कंट्रोल्स हैं, 12V का पावर आउटलेट, USB का पोर्ट, टॉक्स का पोर्ट, यहाँ पे कुछ और स्पेस। और ये है 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन का ही ऑप्शन आता है बुलेरो नियो में। यहाँ पे 4 पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं, चाइल्ड सेफ्टी का कंट्रोल मिलेगा, नीचे कुछ स्पेस। और ये है मैनुअल हैंड ब्रेक क्रोम टिप के साथ, 2 कप होल्डर्स हैं, 1 लीटर का बोतल होल्डर मिलेगा। ग्लोव बॉक्स को देखें तो ग्लोव बॉक्स में आपको कुछ इतना स्पेस देखने को मिलता है, कार के पेपर्स वगैरह रखे हैं, फर्स्ट एड किट है, कूलिंग या लाइटिंग का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। डुअल टोन डैशबोर्ड है, एयरबैग की वैजिंग। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मिलेगा आपको उसका मैनुअल डिमिंग IRVM, रूफ पे हैलोजन बेस्ड लाइट है, माइक का पोर्ट मिलेगा। और यहाँ पे बात करें तो सिर्फ टिकट होल्डर आता है, इस जगह पे आपको वैनिटी मिरर मिलेगा, है हैंडल, ड्राइवर साइड एरिया पे ग्रैब हैंडल नहीं आएगा। सो इंटीरियर में मोटा मोटा यही सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं स्टेयरिंग व्हील की एडजस्टमेंट की, तो सिर्फ आपको टिल्ट फंक्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं आता। यहाँ पे आपको वाइपर्स के कंट्रोल्स मिलेंगे, हेडलाइट के कंट्रोल्स हैं। आइए आप जो है टॉगल करके देखते हैं MID में क्या कुछ देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको 2 डेडिकेटेड बटन दिए गए हैं, यहाँ पे आप टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, हिस्ट्री है, सेटिंग्स देखते हैं, ट्रिप है, एवरेज किलोमीटर पर आवर में स्पीड, टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन, 5 टायर की जो है आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। एक बार सेटिंग्स देखते हैं, यहाँ पे बैक कलर, टेम्परेचर यूनिट, प्रेशर यूनिट, आप इससे देखते हैं, यहाँ से आप EFK लेवल देख सकते हैं, AFE, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। कुछ वार्निंग लाइट्स हैं,
यहाँ पे बड़ी सी स्पेस। सो मोटा मोटा न्यू महिंद्रा बोलेरो नियो में अंदर आपको यही सारी चीजें देखने को मिलती है। सबसे पहले तो आपको ये म्यूजिक सिस्टम का जो है चेंज इसके अंदर देखने को मिलेगा। आइए अब चलते हैं बोनट एरिया पे। यहाँ से ओपन होगा कार का बोनट, सिंगल प्रेस से ही अनलॉक हो जाएगा। पूरा इंजन बे जो है आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। आइए अब बात करते हैं इसके स्पेक्स की। मिलेगा आपको 0.5 लीटर का इनलाइन 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन, जिसके पावर की बात करें 100 bhp की पावर मिलेगी और 260 Nm का टॉर्क आएगा। 18 का एवरेज मिलेगा 50 लीटर के डीजल टैंक से। बोनेट पे इंसुलेशन आएगी। कार पे एक्सटेंडेड वारंटी की बात करें तो कार पे 1 लाख किलोमीटर और 3 ईयर की वारंटी आएगी, जिसको कि आप 5 साल तक के लिए एक्सटेंड करा सकते हैं। एक्सटर्नल बैटरी है, वॉशर फिल करने का ऑप्शन, कूलेंट फिल करने का ऑप्शन। सो कैसी लगी महिंद्रा बोलेरो नियो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।